स्वागत है आपका एसीसी में, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर में। तो आपको पता होगा कि अलीगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट जो हमारा कोचिंग सेंटर है, इसमें आपको बहुत डिफरेंट कोर्सेज में अगर एडमिशन लेने के लिए आप लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे बीएलएलबी में आप आते हैं, बीए बीटेक और जो आपका नीट की प्रिपरेशन यहाँ पे होती है, इलेवेंथ की प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर मोइन खान यहाँ पे जीएस पढ़ाता हूँ। जीएस में बेसिकली मैं फोकस करता हूँ ज्योग्राफी पे और इकोनॉमिक्स पे, ज्योग्राफी पे और इकोनॉमिक्स पे बेसिकली मैं फोकस करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रिवर सिस्टम इन इंडिया, रिवर सिस्टम इन इंडिया या ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, या इसको आप ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है मैंने ज्योग्राफी का चूज किया है। ठीक है, तो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जो आप देखते होंगे कि गूगल पे आप पहले या यूट्यूब पे सर्च करते होंगे कि अलीगढ़ में सबसे बेस्ट आपका कोचिंग कौन सा है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली यही कोचिंग आपको दिखाती होगी, अलीगढ़ कोचिंग सेंटर। वो किस लिए दिखाती होगी, क्योंकि जो लगातार पिछले सालों में रिजल्ट रहा है और जो यहाँ पे हम लोगों ने कंसल्ट किया है स्टूडेंट्स को, उनको काउंसिल किया है, तो उसी का रिजल्ट है कि अलीगढ़ कोचिंग सेंटर वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग सेंटर अलीगढ़ में बन चुका है। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो रिवर सिस्टम इन इंडिया है। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। ठीक है, ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बंद कर दीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो रिवर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिवर सिस्टम डेवलप कैसे होता है। ठीक है, बनता कैसे है, एक रिवर कैसे बनती है। तो रिवर देखिए दो तरीके की होती है। एक रिवर आपने देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गंगा का एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो पूरे साल आपको बहती हुई दिखेगी। लेकिन दूसरी जो रिवर्स होती हैं वो एक सीजन में सूख जाती हैं। जैसे आप चले जाइए लूनी राजस्थान की रिवर है, या आप साउथ इंडिया की कोई छोटी सी रिवर ले लीजिए, तो वो क्या हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएगी। समझ गए, तो वो ड्राई क्यों हो जाएगी और ये हमेशा बहती क्यों रहती है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए बहती रहती है क्योंकि ये ग्लेशियर से निकल रही है। तो जब बारिश नहीं हो रही तो क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और ये इसमें पानी आ जा रहा है। तो ऐसी रिवर्स को हम कहते हैं पेरेनियल रिवर्स। क्या कहते हैं, पेरेनियल रिवर्स। और ये जो आपकी रिवर्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया की जो रिवर्स हैं वो सूखे पहाड़ों से निकल रही हैं। और वो क्यों निकल रही है, क्योंकि जो बारिश हो रही है उसी का पानी उसमें ड्रेन हो रहा है। जैसे लूनी रिवर राजस्थान की है, तो ये पूरे साल नहीं बहेंगी। कब बहेंगी, कुछ पार्टिकुलर सीजन में बहेंगी जब बारिश होगी। जैसे ही बारिश बंद होगी इनका बहना बंद हो जाएगी। तो ऐसे रिवर्स को हम क्या कहते हैं, सीजनल रिवर्स। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि रिवर्स जो हैं वो क्यों बहती हैं। ठीक है, मतलब एक रिवर का जो कॉन्सेप्ट है, रिवर कैसे बनती है, इतना आपको बेसिक बात पता चल गई होगी। या तो ग्लेशियर से बनेगी या तो सीजनल जो रेनफॉल हो रही है, जो बारिश हो रही है उससे बनेगी। बस बात समझ में आ गई, ये तो रिवर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब अगर रिवर फॉर्मेशन में अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे इसकी थ्योरीज में, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे इंडो ब्राह्मण थ्योरी है, शिवालिक थ्योरी है, तो उसमें आपको गंगा पूरा रिवर सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है, या आपकी जो प्लास्टोसीन पीरियड में उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ है नर्मदा का, ताप्ती का, तो वो एक बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा, उसके में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि इसमें और कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं रिवर सिस्टम में, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक आपने टर्म पढ़ा होगा, उसका नाम है ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, अब ड्रेनेज बेसिन को समझिए। अब आप क्या करते होंगे, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल घर में क्या करते होंगे, जैसे आपके घर में वॉश बेसिन भी होगा और आपका जो आप जिसमें मुंह धुलते हैं, हाथ धुलते होंगे, वो भी बेसिन होगा। ठीक है, तो अब बेसिन ये इतना बड़ा होता है और इसमें बीच में एक पाइप लगा होता है, करेक्ट। अब क्या होता है कि जैसे आप मुंह धुल रहे हैं या हाथ धुल रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो वाटर जो है यहाँ पे गिर रहा है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे गिर रहा है, यहाँ पे गिर रहा है, चारों तरफ गिर रहा है। अब ये पानी जाएगा कहाँ, ये पानी जाएगा सीधे ये बीच में जो होल होगा जिसमें पाइप लगा होगा, इसमें जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए इस पूरे एरिया को हमने क्या कहा, इसको हमने कहा बेसिन। ठीक इसी तरह अब रिवर बेसिन को आप समझिए। रिवर बेसिन में देखिए क्या होता है, रिवर बेसिन में क्या होता है बेसिकली, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई अलीगढ़ में रह रहा है, ठीक है, अलीगढ़ में है। अब अलीगढ़ में सुबह उसने क्या किया, उसने जो है वो सुबह उसने हैंड वॉश किया या वो नहाया, उसने कपड़े धुले, तो जो वेस्ट वाटर होगा वो किसमें जाएगा, वो एक छोटी सी स्ट्रीम में जाएगा। किसमें जाएगा, किसी छोटे नाले में जाएगा, स्ट्रीम में जाएगा। फिर वो जो है
किसी छोटी रिवर में जाएगा, कोई छोटी ट्रिब्यूटरी में जाएगा, एक छोटी सी कोई ट्रिब्यूटरी होगी उसमें जाएगा, फिर वहां से पानी वो कहां जाएगा, वो पानी फिर यमुना में जाएगा, यमुना में जाएगा, यमुना फाइनली किससे मिलेगी जाके, वो गंगा से मिल जाएगी, और गंगा किससे मिल जाएगी बताइए, बे ऑफ बंगाल से मिल जाएगी। मतलब कि ये फाइनली पानी जो अलीगढ़ में आप सुबह को यूज कर रहे हो, या दिल्ली में जो आप सुबह को यूज कर रहे हो, या लखनऊ में यूज कर रहे हो, ये पानी कहाँ जा रहा है, ये फाइनली जा रहा है बे ऑफ बंगाल में, और ये किस बेसिन का पार्ट है, ये गंगा बेसिन का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिवर का जो कैचमेंट एरिया होता है उसको हम कहते हैं बेसिन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने गंगा का एग्जाम्पल दिया, तो मैं गंगा के थ्रू आपको समझाऊंगा, ये आपका यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे आपकी गंगोत्री है। अब इसमें आपका यमुना का पानी आ रहा है इधर, रामगंगा गोमती में, ऐसे ही अभी इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जितना जो एरिया है, जितना एरिया ये कवर कर रही है, मतलब इस एरिया का पानी किसमें जा रहा है, इस एरिया का पानी जा रहा है आपका, इस एरिया का पूरा पानी किसमें जा रहा है, वो जा रहा है आपका गंगा में। तो देखिए ये पूरा एरिया क्या हम कहेंगे, हम इसको इसको कहेंगे गंगा बेसिन। करेक्ट, समझ में आ गई बात, तो इसको कहते हैं गंगा बेसिन। अब एक टर्म और यूज होता है, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। ठीक है, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ही अगर आप ले लीजिए, इंडिया में जैसे अगर आप ले लीजिए, तो यहां पे इधर कौन सा है, आपका इंडस रिवर सिस्टम है, इधर आपका गंगा रिवर सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यहां पर है, तो दिल्ली का पानी किसमें जाएगा, यमुना में जाएगा। ठीक है, इधर आपका फॉर एग्जांपल फिरोजपुर है, लुधियाना है, उसका पानी किस में जाएगा, सतलज में जाएगा, तो वो किससे मिलेगी जाके, इंडस से मिलेगी जाके। तो किसी ना किसी सिटी, कोई भी सिटी हो, तो वो किसी ना किसी ड्रेनेज बेसिन का पार्ट जरूर होता है, लेकिन बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसका पानी इधर भी जाता होगा और इधर भी जाता होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिटी है अंबाला, क्या नाम है उसका, अंबाला। ठीक है, अंबाला जो सिटी है आपका, अंबाला सिटी जो है, तो अंबाला सिटी का जो पानी है वो कहां जाता है, वो इंडस में भी जाता है और गंगा में भी जाता है, गंगा दोनों बेसिन में जाता है। तो ऐसा जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड। तो वाटर डिवाइड जो होता है उसको हम अभी और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, वाटर डिवाइड को अभी हम और डिटेल में समझेंगे कि कैसे इंडिया में वो रोल प्ले कर रहा है। अब इंडिया में अगर हम क्लासिफिकेशन करें रिवर्स का, अगर हम क्लासिफिकेशन करें रिवर सिस्टम का, ड्रेनेज बेसिन का, ठीक है, या रिवर सिस्टम में क्लासिफिकेशन करें, तो हम इसको बेस पे कर सकते हैं कि रिवर ड्रेन कहां हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज अगर हम देखें, मतलब ड्रेन जहां पे हो रही है, तो आपके दो रिवर सिस्टम हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका अरेबियन सी रिवर सिस्टम। ठीक है, अरेबियन सी रिवर सिस्टम, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम, बे ऑफ बंगाल रिवर सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, कुछ कहां जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं, कुछ जा रही हैं अरेबियन सी में। तो बे ऑफ बंगाल में कितना हमारी वाटर जा रहा है, 77% जा रहा है, अरेबियन सी में कितना जा रहा है, 33% जा रहा है। अब इंडिया में देख लीजिए, आप इसको मैप के थ्रू समझ लीजिए कि इंडिया में जो वाटर डिवाइड है वो आपका ये है वाटर डिवाइड। ठीक है, ये वाटर डिवाइड है, इसके इस तरफ का जो पानी है वो किस में आएगा, अरेबियन सी में आएगा, यहाँ पे अरेबियन सी है, और इस तरफ का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, बे ऑफ बंगाल में जाएगा। क्लियर है, तो इसको आप समझ लीजिए कि ये जो है आपका, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी है, तो इस तरफ जितनी भी रिवर्स है वो पानी फाइनली कहाँ ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में कर रही है, इधर वाली अरेबियन सी में कर रही है। अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं, दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो इसमें जो है आपका साइज के बेस पे इसको हमने तीन में डिवाइड किया है। पहला है आपका मेजर रिवर सिस्टम, मेजर रिवर सिस्टम। ठीक है, इसका जो साइज, जो बेसिन एरिया होता है वो होता है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा। ठीक है, इससे ज्यादा होगा। ठीक है, मोर देन 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। ऐसे जो रिवर सिस्टम इंडिया में है वो कितने हैं, 14 है। जैसे आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, ठीक है, दामोदर है आपका, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सब जो मेजर रिवर सिस्टम है वो इसमें आते हैं। उसके बाद है मीडियम साइज रिवर सिस्टम, मीडियम साइज रिवर सिस्टम। ठीक है,
इसमें जो है कितना होगा एरिया, इसमें होगा आपका 20,000 से लेके 2,000 तक, ठीक है, 20,000 से 2,000 तक है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 144 है, 144 रिवर्स इस कैटेगरी में आती हैं। फिर है आपका लेस देन 2,000, ठीक है, लेस देन 2,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बहुत सारी है ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो छोटी छोटी रिवर्स तो बहुत है ना इंडिया में, तो ये मेजर हो गया। उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन जो है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो दो रिवर सिस्टम इंडिया में पाए जाते हैं, एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है, एक आपका हिमालयन हो जाएगा और एक आपका पेनिनसुलर हो जाएगा, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही है, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिक से मैं लेके चल रहा हूं ताकि आपको रिवर सिस्टम समझने में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं अपने एनसीईआरटी में, यहां तक तो हम पढ़ लेते हैं, अब उसके बाद जितनी हम पढ़ाई करते हैं वो हम इसी हिसाब से करते हैं, पहले हम हिमालयन की रिवर पढ़ते हैं और उसके बाद पेनिनसुला की रिवर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा क्वेश्चन कहां कहां से क्या क्या बनेगा, ठीक है। चलिए हिमालयन रिवर सिस्टम को हम शुरू करते हैं। पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया के, एक बार हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम का कि कहाँ पे कौन से रिवर है, उसके बाद हम आगे थोड़ा फर्दर बढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि कहाँ पे लोकेशन किस रिवर की है, ठीक है। तो जो 14 मेजर रिवर सिस्टम मैंने बताया उसी में से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहां पे आपकी है मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक हो जाएगी, ये मानसरोवर लेक है आपकी। अब यहां से आपकी एक रिवर निकल रही है, उसको हम कहते हैं इंडस, ठीक है, ये यहां पे आके कराची पाकिस्तान में गिर जाती है, ठीक है। यहीं से दूसरी रिवर निकल रही है, उसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये यहां से ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है। तीसरी मानसरोवर लेक से रिवर निकल रही है, उसका नाम है सतलज, उसका नाम क्या है, सतलज है, ठीक है। तो आपने देखा इंडस रिवर सिस्टम, अब सतलज इसी का पार्ट है, तो ये इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट हो गई, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र आपका हो गया, यहां से आपकी एक रिवर निकल रही है, उसका नाम है गंगा, गंगा गौमुख गंगोत्री से निकल रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। उसके बाद इसी की ट्रिब्यूटरी यहाँ पे यमुना है, उसमें हम आगे भी बात करेंगे। फिर यहाँ पे आपकी एक रिवर है, उसका नाम है महानदी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक रिवर नासिक से निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर हिल से, उसका नाम है गोदावरी। फिर यहां से आपकी महाबालेश्वर से एक रिवर निकल रही है, उसका नाम है कृष्णा। फिर उसके बाद इसके नीचे चले आइए, फिर यहाँ पे एक रिवर है पेन्नार, उसका नाम है, फिर उसके नीचे यहाँ पे कावेरी। यहाँ पे केरला में रिवर बह रही है, उसका नाम है पेरियार, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऊपर चले आइए गोवा में, यहाँ पे 144 से ज्यादा रिवर्स है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वो छोटी छोटी रिवर्स है वेस्टर्न घाट में, ठीक है। अब जो मेजर रिवर्स हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर का नाम पूछता है कि पश्चिम की दिशा में कौन सी बह रही है, तो कौन सी दो मेजर रिवर्स हैं, वो है आपकी नर्मदा और दूसरी कौन सी है, ताप्ती। फिर यहाँ पे एक माही रिवर है, ठीक है, जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है। फिर यहाँ पे इसके ऊपर एक साबरमती रिवर है और यहाँ पे एक आपकी लूनी रिवर है, जो ओशन में पहुंचती ही नहीं, ओशन में पहुंचने से पहले ही ये सूख जाती है, इसमें इतना ज्यादा पानी नहीं होता है। तो ये इंडिया के मेजर रिवर हो गई, आपकी इंडस हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, गंगा है, और उसके बाद आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी है, पेरियार है, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती और लूनी। ये आपकी इंडिया की मेजर रिवर सिस्टम हो गया। अब इसी में जो फर्दर हम रिवर्स पढ़ेंगे वो इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है। तो चलिए हम इंडस रिवर सिस्टम से शुरू करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम शुरू करते हैं। अब अगर जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इंडिया में जो है आपकी लेंथ के बेस पे हम अगर देखें इंडिया में कौन सी सबसे बड़ी रिवर है, तो इंडिया में अगर लेंथ के बेस पे देखेंगे तो गंगा सबसे बड़ी है। अदरवाइज आप देखेंगे तो आपकी इंडस और ब्रह्मपुत्र उनसे ज्यादा लेंथ है, लेकिन वो पूरी इंडिया में नहीं है, कुछ वो बांग्लादेश में बहती है, कुछ तिब्बत में बहती है, ठीक है। तो वो पूरी उनकी लेंथ जो है वो कम है, अगर वैसे लेंथ वाइज देखेंगे तो गंगा सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। तो अब चलिए हम शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम को पढ़ना शुरू करते हैं। तो इंडस रिवर को अगर आप देखेंगे, इंडस रिवर को मैंने बताया आपको ये कहां से निकलती है, यहां पे है मानसरोवर लेक, ये मानसरोवर लेक है, और यहीं पे एक ग्लेशियर है,
ठीक है, उस ग्लेशियर से ये निकलती है और ये लद्दाख रेंज को कट करते हुए और ये इस तरीके से यहां पे आके कराची में यहां पे ड्रेन करती है, कहां पे, कराची के पास, ठीक है, कराची के पास ड्रेन करती है। अब इसमें जो है बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसमें ट्रिब्यूटरीज को अगर हम बांटें तो तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आपकी आ रही हैं अफगानिस्तान से, कुछ ट्रिब्यूटरीज आपकी कश्मीर लद्दाख की हैं और कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आपकी पंजाब की हैं, ठीक है। तो अगर हम कश्मीर की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम है, उनका क्या नाम है, आपका न्यूबरा है, नुब्रा है, श्योक है, गस्तांग है, गस्तांग है, ठीक है, द्रास है, ठीक, और आपकी एक है शिगार, ठीक है। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये लद्दाख और कश्मीर वाले एरिया की हैं, ठीक है, जे एंड के और लद्दाख वाले रीजन की, ये यहां पे मिलती हैं, ये इस वाले रीजन में मिलती हैं, ठीक है। इस वाले रीजन में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, न्यूबरा है, श्योक है, गस्तांग है, द्रास है और आपकी शिगार है। अब इसमें देखिए राइट हैंड ट्रिब्यूटरी जो है कुछ अफगानिस्तान से आ रही है। अब आप सोच रहे होगे कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या होता है, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पहले समझ लीजिए, ठीक है। इसमें राइट हैंड और लेफ्ट हैंड समझ लीजिए पहले। देखिए अगर रिवर ये इस तरीके से बह रही है, अब रिवर क्या होती है, जैसे हम लोग सीधे जा रहे होते हैं तो हमारे कुछ राइट में होता है, हम जैसे रिक्शे पे बैठे हुए तो उससे कहते हैं ना कि राइट हैंड ले लो या लेफ्ट ले लो। तो अगर रिवर इधर से जा रही है, इधर से आगे अगर कोई ट्रिब्यूटरी मिल रही है तो ये कौन सी होगी, आप लोग बताइए, ये हो जाएगी आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, और इधर से अगर आके मिल रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अगर इस तरफ है ना तो लेफ्ट हैंड हो जाएगी, इस तरफ है तो राइट हैंड, जिस तरफ को ये डायरेक्शन है इसकी बहने की उधर से हम इसको देखेंगे तो ये इधर राइट हैंड साइड हो जाएगी, इस तरफ लेफ्ट हैंड हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो इसमें जो है आपकी कुछ अफगानिस्तान में ट्रिब्यूटरी मिलती है यहाँ पे, उनका नाम क्या है, इनका नाम है आपका काबुल, काबुल रिवर है, फिर उसके बाद यहाँ पे टोची रिवर है, फिर उसके बाद यहाँ पे खुर्रम रिवर है, चौथी रिवर जो है उसका नाम गोमल है। तो यहाँ पे देखिए चार रिवर आ रही है, कहां से आ रही है, अफगानिस्तान से, चारों राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, इनका नाम क्या है, यहाँ पे काबुल है, टोची है, खुर्रम है और गोमल, ये रिवर आपकी जो है ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद आपने इस वाले पूरे एरिया को, ये वाला जो पूरा एरिया है, इस वाले पूरे एरिया को क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे इंडिया का हो। अब इसको पंजाब क्यों कहते हैं ये बात आप समझिए, देखिए पर्शियन का वर्ड है, पर्शियन में पंज को क्या कहते हैं, पांच मतलब फाइव, ठीक है, और आब को क्या कहते हैं, वाटर, वाटर या स्ट्रीम, तो उसका हो गया रिवर्स। तो इसको जो है ये होता है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, यहाँ पे मतलब पांच रिवर हैं, इसलिए इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पंजाब, ठीक है। अब इसको ऊपर से देख लीजिए कि यहाँ पे कौन कौन सी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है, सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ पे निकलती है झेलम, ठीक है, कौन सी है, झेलम है, फिर आपकी चिनाब है, फिर आपकी रावी है, ठीक है, फिर आपकी ब्यास है, और फिर यहां से एक निकल रही है, मैंने आपको बताया मानसरोवर लेक से, ये है आपकी सतलज, और सतलज जो है वो किसको मिला लेती है, ये मिला लेती है ब्यास को। तो इसको ऐसे आपको याद करना है, सबसे पहले कौन सी है, झेलम है, फिर कौन सी है, चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो ये पूछेगा कि मानसरोवर लेक से कौन सी तीन रिवर निकलती हैं, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मानसरोवर लेक। तो आपको याद रखना है कि तीन निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंदस, ये दो हो गई। अभी मैं ब्रह्मपुत्र जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आपको वो तो तीन याद ही रखनी है। अब चौथी जो भी नाम देगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ये वाली कभी ट्रिब्यूटरीज नहीं पूछता है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ये ट्रिब्यूटरीज कभी नहीं पूछता है, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी को, तो आपको नजर में रखना है इसको, ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सब ये ग्लेशियर्स के नाम पे हैं, नुब्रा, श्योक, गस्तांग, द्रास और शिगार। और जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं अफगानिस्तान की, काबुल, टोची, खुर्रम और गोमल, ये सब अफगानिस्तान की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद जो पंजाब की ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनकी जो अरेंजमेंट है नॉर्थ साउथ और साउथ थ्रू नॉर्थ, वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो इनको अगर हम यहाँ पे लिखें तो सबसे ऊपर कौन सी हो जाएगी, झेलम,
फिर आपकी कौन सी हो जाएगी, चेनाब, फिर उसके बाद रावी, उसके बाद ब्यास और उसके बाद सतलज, ठीक है। तो ये आपकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर साउथ हो जाएगा। इन ट्रिब्यूटरीज को जब भी आप याद करेंगे तो इसी सीक्वेंस में याद करेंगे, ताकि आपको वहां पे अरेंजमेंट याद रहे। सबसे पहले झेलम होगा, फिर चिनाब होगा, फिर रावी होगा, फिर ब्यास होगा और फिर सतलज होगा, ठीक है। अब ये जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे पूछता है कि ये ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे मिलती है, तो यहाँ पे एक सिटी है, उसका नाम है मिथानकोट। क्या नाम है? मिथानकोट। इसका नाम है मिथानकोट, यहाँ पे मिलती है ट्रिब्यूटी। ये वैसे बहुत मुश्किल है सवाल पूछे, एक बार पीसीएस ने पूछा है इसको, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए पूरा, कि ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम ऐसे काम करता है, और ये पूरी तरीके से हमारे इंडिया में नहीं बहता है। इंडिया में सिर्फ हमारा कितना है, सिर्फ इतना है ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी बातें हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में, ये बात भी जान लीजिए आप लोग लगे हाँ। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई है वो आपकी 1960 में हुई है, ये हालांकि एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कहा गया है कि जितनी भी आपकी ऊपर की तीन रिवर्स हैं, ठीक है, इंडस है, झेलम है और चिनाब, इनका जो पानी है वो पाकिस्तान अपने हिसाब से यूज करेगा। इसमें इंडिया जो है वो इसमें कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकता है, मतलब खेती बाड़ी में यूज कर सकता है, लेकिन उस तरीके से नहीं यूज कर सकता है कि इस पर डैम बना देगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो नीचे की रिवर्स है, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास, सतलज का पानी जो है वो इंडिया पूरे तरीके से यूज कर सकता है। तो नीचे की जो तीन है वो इंडिया को दी गई है, ऊपर की जो तीन है वो पाकिस्तान को। देने का मतलब ये है कि वैसे तो नॉर्मली आप पानी यूज करिए, लेकिन कॉमर्शियली सिर्फ पाकिस्तान ऊपर की तीन रिवर्स का यूज करेगा, नीचे का इंडिया यूज करेगा। ये 1960 में बात हुई थी, हालांकि इंडिया ने चिनाब पे बहुत सारे बना दिए हैं, तो उस पर इशू चलता रहता है। इंडिया पावरफुल है वर्ल्ड लेवल पे, तो वो अपना काम करता रहता है, पाकिस्तान अपना काम करता रहता है, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी जो है 1960 में हुई थी, और ऊपर की तीन रिवर पाकिस्तान को दी गई थी, नीचे की जो तीन रिवर है वो इंडिया को दी गई थी, ठीक है, कॉमर्शियल यूज के लिए। बाकी एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक यूज के लिए कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम, गंगा जो ओरिजिनेट होती है वो कहां ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री में ओरिजिनेट होती है, ठीक है, कहां पे, सॉरी, गंगा जो है गंगोत्री में ओरिजिनेट होती है, कहां पे, गंगोत्री में। और इसको जो बेसिक वहां पे जो ग्लेशियर है उसको क्या कहते हैं, गोमुख, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में गोमुख आ जाता है और गंगोत्री आ जाता है तो हमेशा आप गोमुख पे टिक मारिएगा, अगर गोमुख नहीं है तो गंगोत्री ग्लेशियर पे मारेंगे, ठीक है, वैसे आप गोमुख पे मारेंगे, ठीक है। तो अब ये गंगोत्री से यहां से निकलती है, फिर ये कहां पे आती है, ये मतलब उत्तराखंड में निकल रही है, हरिद्वार से ये प्लेन में एंटर करती है। ये सवाल सीधा पूछा जाता है कि गंगा रिवर प्लेन में कहां, किस सिटी से एंटर करती है, तो हरिद्वार से एंटर करती है। आप हरिद्वार अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हरिद्वार के आगे पहाड़ ही पहाड़ है और इस तरफ जो है वो प्लेन ही प्लेन है, ठीक है। तो अब यहां से एंटर कर गई, उसके बाद ये आगे बहती है, यूपी में एंटर कर जाती है, यूपी के बाद ये बिहार में आती है, और बिहार के बाद वेस्ट बंगाल में आती है, और वेस्ट बंगाल में ये दो टुकड़ों में हो जाती है, एक पार्ट इसका चला जाता है, यहां से निकल रही है फॉर एग्जाम्पल ये, और यहां पे आ रही है। अब यहां पे इसके दो हिस्से हो जाते हैं, ठीक है, और इधर ये भागीरथी हो जाती है, इधर हुगली हो जाती है, ठीक है, इतनी बात आप समझिए। अभी दूसरी रिवर जो इसमें मेन ट्रिब्यूटरीज की है, मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसको हम क्या कहते हैं, यमुनोत्री, यमुना। यमुना कहां से निकल रही है, यमुना निकल रही है आपकी यमुनोत्री से, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, गंगा कहां से निकल रही है और यमुना कहां से निकल रही है, तो यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो यमुनोत्री है पूछेगा कौन से हैंड की ट्रिब्यूटरी है, तो ये कैसी हो जाएगी, क्योंकि इस तरफ से मिल रही है तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो जाएगी ना ये, तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। अब ये जो है यमुना, यमुना के बारे में ये सवाल पूछ सकता है कि ये किस किस सिटी के किनारे बहती है, तो दिल्ली, आगरा, आपको याद रखना है दिल्ली आगरा दोनों यमुना रिवर पे है,
ठीक है, अब ये इस तरीके से आ गए। फिर इसमें यहां से जो है यहाँ पे अमरकंटक प्लेटो, अमरकंटक प्लेटो से एक रिवर निकल रही, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोन, तो वो यहां से जाके पटना में मिल जा रही है। तो दूसरी जो बड़ी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सोन। और तीसरी यहाँ छोटा नागपुर प्लेटो से रिवर निकल रही है और वो हुगली में मिल जाती है जाके, इसका नाम क्या है, दामोदर। ठीक है, इसका नाम क्या है, दामोदर, इसका नाम है सोन और ये यमुना हो गई। ठीक, ये तो आपकी हो गई राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद आपकी जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, तो सबसे पहली जो रिवर इसमें मिलती है उसका नाम क्या है, रामगंगा। उसका नाम क्या है, रामगंगा है। उसके बाद दूसरी ट्रिब्यूटरी है जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लखनऊ से गुजरती है, सुल्तानपुर जौनपुर से होते हुए, उसका नाम है क्या, गोमती रिवर। ठीक है, उसके बाद गोमती रिवर है। उसके आगे अगर आप चलेंगे तो इधर से काली रिवर आ रही है और काली रिवर के साथ मिलती है घाघरा, और घाघरा जो जाके है वो आपकी बलिया के पास मिल जाती है, वो हो गई आपकी घाघरा रिवर। फिर उसके बाद है आपकी कोसी रिवर, ठीक है, फिर उसके बाद आपकी गंडक रिवर है, फिर उसके बाद आपकी महानंदा रिवर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, पहले कौन सी जाएगी, पहले रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर गोमती है, फिर उसके बाद राम, पहले रामगंगा है, फिर रामगंगा है, फिर गोमती है, फिर उसके बाद आपकी घाघरा है, घाघरा के बाद कोसी है, कोसी के बाद आपकी गंडक है, और गंडक के बाद आपकी कौन सी है, गंडक के बाद है महानंदा। तो अगर पूछता है कि सबसे बाद में ईस्टर्न बार्ड कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है लेफ्ट हैंड, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, महानंदा। कौन सी हो जाएगी, महानंदा। और इधर जो है आपकी सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरीज की है वो कौन सी है, आपकी यमुना है। ठीक है, तो ये आपको मेजर ट्रिब्यूटरी गंगा की याद रखनी है। ठीक है, रामगंगा फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक और महानंदा। राइट हैंड में देखेंगे तो यमुना हो जाएगी, सोन हो जाएगी और दामोदर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए एक मजे की बात इसमें ये है कि ये तो हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, अब इधर ये पूरा प्लेटो है इस साइड में ये वाला पोर्शन, लेकिन यहां से भी कुछ रिवर्स निकलती हैं जो हिमालयन रिवर सिस्टम में मिल जाती हैं। जैसे चार रिवर्स ऐसी हैं जो इंडिया में, जो मतलब कि जैसे कि यहाँ पे दामोदर भी हालांकि यहाँ से निकल रही है, यहीं से निकल रही है, लेकिन यमुना से चार रिवर मिल रही है, उनका नाम हमें याद रखना है। हमेशा सवाल यहीं से बनता है ज्यादातर, अगर उनको डीप पूछना होता है, आसान तो आपको ऊपर से ही मिल जाएगा, डीप अगर पूछेंगे तो पूछेंगे कि कौन सी यमुना की, मतलब यमुना की वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो पेनिनसुला से आके इसमें मिलती है। हालांकि यहाँ पर भी कुछ ट्रिब्यूटरी यमुना की है, उनका मैं नाम बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, वो कभी पूछते नहीं है, जैसे हिंदन है, वरुणा है, ठीक है, तो वो मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन ये वाले आपको ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। वो आपकी कौन सी है, सिंध है रिवर, सॉरी चंबल है पहले, फिर सिंध है, फिर बेतवा है और फिर केन है। ठीक है, तो ये चार रिवर हैं, इनका क्या नाम है, इनका नाम है सिंध, फिर उसके बाद है बेतवा, फिर आपका केन, और फिर उसके बाद कौन सी है, फिर आपकी है सिंध, बेतवा, केन और चंबल। ठीक है, सबसे इधर चंबल है, फिर सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है। ठीक है, तो ये चार ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका पूरा गंगा रिवर सिस्टम हो गया। और गंगा से जो है आपको गंगा पे मेन जो सिटीज हैं वो याद रखने हैं। आप पूछेगा कि संगम कहाँ पे है, तो संगम कहाँ पे, प्रयागराज में है। प्रयागराज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे यमुना, गंगा और आपकी जो आपकी सरस्वती रिवर है, जिसको मतलब कहते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है कि वो डिसअपीयर हो गई है, इनविजिबल है, लेकिन वो भी वहां पे मिलती है। तो प्रयागराज को क्या बोला जाता है, महासंगम बोला जाता है, और ये कहा जाता है कि वहां पे तीन रिवर्स मिलती हैं आके। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा कि गंगा रिवर सिस्टम पे कौन कौन से सिटीज हैं, तो आपका जो है वाराणसी है, पटना है, जो भी मेजर मेजर सिटीज हैं वो आपको एक बार मैप में, एटलस में देख लेने। ठीक है, चलिए ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसका ओरिजिन कहां हो रहा है, उसका भी ओरिजिन हो रहा है मानसरोवर लेक में। ठीक है, मानसरोवर लेक में हो रहा है इसका ओरिजिन, और यहां से ये निकल रही है। ठीक है, अब देखिए, और यहां से आके ये इस तरीके से ये यहाँ पे आके वेस्ट बंगाल, ये है पूरा आपका, सॉरी बांग्लादेश है, और इसमें आके ये आपके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जा रही है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जा रही है। अब जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है,
ब्रह्मपुत्रा में सबसे जो इंटरेस्टिंग इसमें सवाल जो आते हैं वो ये आता है कि इसका नाम पूछते हैं, इसका नाम पूछते हैं कि इसको कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसको कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, चलिए इसको समझते हैं पूरा। यहां से जब ये निकलेगी तब इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसको हम कहेंगे सांगपो। क्या कहेंगे? सांगपो, ठीक है। तो सांगपो याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा को हम तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो सांगपो नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम सांगपो नाम से जानते हैं। उसके बाद जब हम नीचे को थोड़ा आ जाएंगे तो यहां से ये एंटर होगी किसमें, इंडिया में एंटर होगी। इसको हम जो ये जो पास है उसका नाम है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है वो इंडिया में किस पास से एंटर करती है, तो ये किससे एंटर कर रही है, नामचा बरवा से एंटर कर रही है। किससे कर रही है? नामचा बरवा से एंटर कर रही है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, यहाँ पे सांगपो था तिब्बत में, फिर इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर। जब ये असम वैली में अरुणाचल से एंटर करेगी तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। उसके साथ ही यहाँ पे आपने देखा होगा दार्जिलिंग और सिक्किम वाला एरिया है, यहां से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है टीस्टा। क्या नाम है? टीस्टा। ये जो रिवर है ये पहले गंगा का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन इसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि ये पूरा हिमालय से निकल रही है, इसके अंदर स्पीड इतनी ज्यादा है और ये इतना ज्यादा इरोजन करती है, लैटरल इरोजन कटिंग करती है, तो ये काट काट के अपना जो रूट है उसने चेंज कर दिया और गंगा का पार्ट ना होकर किसमें आ गई, ये ब्रह्मपुत्रा में आ गई। तो जब ये टीस्टा यहाँ पे मिल जाएगी और बांग्लादेश में आपका ब्रह्मपुत्रा एंटर हो जाएगा, तब इसको हम किस नाम से जानेंगे, इसको जानेंगे जमुना नदी से, ठीक है। किस नाम से जानेंगे? जमुना रिवर से। तो पहले इसका नाम क्या था? सांगपो था। फिर इसका जब नामचा बरवा से इंडिया में एंटर कर गई तब इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मपुत्रा हो गया। फिर जब ये बांग्लादेश में एंटर कर गई टीस्टा से मिलने के बाद तब इसका नाम क्या हो गया? जमुना हो गया। और इधर से आपकी आ रही है, मैंने आपको बताया था गंगा आ रही है। अब गंगा का एक पार्ट यहां से अलग हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? भागीरथी नदी। क्या कहते हैं? भागीरथी, ठीक है। तो भागीरथी जब मिल जाती है किससे? जमुना से। जमुना किसका नाम हो गया है? ब्रह्मपुत्रा का, जब वो बांग्लादेश में एंटर कर गई है टीस्टा से मिलने के बाद। तो इसका जब नाम हो जाएगा, यहाँ पे जब ये मिलेगी तब इसका नाम हो जाएगा पद्मा। जब भागीरथी इससे मिल जाएगी तब इसका नाम हो जाएगा पद्मा, ठीक है, पद्मा नाम हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो है डेल्टा बनाती है बड़ा सा, जिसको हम कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा। तो इस सुंदरवन डेल्टा को जो है वो हम सुंदरवन जो डेल्टा है आपका, इसमें इन दोनों का नाम क्या हो जाएगा? मेघना, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्रा का। तो ब्रह्मपुत्रा जो है जब चली थी तो उसका नाम सांगपो था, जब ये नामचा बरवा से एंटर कर गई तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो गया, फिर जब यहाँ पे टीस्टा से मिलने के बाद बांग्लादेश में एंटर कर गई तब इसका नाम जमुना हो गया, और जब इससे भागीरथी मिल गई तब पद्मा हो गया, और जब यहाँ पे ट्रिब्यूटरी में पहुंच गई, डेल्टा में पहुंच गई, तब इसका नाम मेघना हो गया, ठीक है। अब इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज आप देख लीजिए, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए आप। तो ट्रिब्यूटरीज इसकी कौन कौन सी है देखिए, मनास है, ठीक है, मनास है, केमांग है, धनसिरी है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, सुबनसिरी है, फिर उसके बाद बराक रिवर है, बराक रिवर है। तो ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी और भी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन आपको मेन मेन याद रखना है। कभी अगर पूछता है सवाल तो मनास या सुबनसिरी या धनसिरी ही पूछता है, इसके अलावा कोई नहीं पूछता है। बराक बहुत डीप अगर पूछेगा तो बराक पूछ सकता है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक सवाल जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा और पूछा भी गया है कि वर्ल्ड का, वैसे तो आपने देखा होगा कि आइलैंड्स किसे कहते हैं, आइलैंड्स हम उन पार्ट्स को कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। तो जनरली वो कहाँ मिलते हैं हमें? वो हमें मिलते हैं ओशंस में, ओशंस में मिलेंगे आइलैंड्स। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो रिवर पे भी मिले? तो इसमें क्या होता है कि आपका जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है एक बहुत बड़ा आइलैंड बनाती है, और वो इतना बड़ा आइलैंड है कि उसमें इतने लोग रहते हैं कि उसको अभी
5-6 साल पहले ब्रह्मपुत्रा ने, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का वो आइलैंड है उसको एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया है गवर्नमेंट ने। इतना बड़ा आइलैंड बनाती है असम वैली में, यहाँ पे एक आइलैंड बनाती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मजूली आइलैंड। क्या नाम है? मजूली आइलैंड। तो मजूली आइलैंड के बारे में याद रखिएगा कि जो मजूली आइलैंड है ये किस रिवर पे है, ये ब्रह्मपुत्रा पे है, ये ब्रह्मपुत्रा पे है, और ये वर्ल्ड का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ये याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्रा जो है एक सबसे बड़ा आइलैंड बनाती है जिसका नाम है मजूली आइलैंड, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड कैसा है? रिवरीन है। रिवरीन का मतलब क्या हुआ कि जिसको रिवर बनाए, तो रिवर के द्वारा बनाया गया ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। इससे बड़ा अभी तक कोई आइलैंड, कोई रिवर नहीं बनाती है। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि ब्रह्मपुत्रा इतना बड़ा आइलैंड बनाती है। ठीक है, तो ये आपका जो चल रहा था, ये आपका चल रहा था हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम चल रहा था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में अगर हम आएंगे तो यहां से जस्ट नीचे अगर हम उतरेंगे तो यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं, उनको आप जान लीजिए, और ज्यादा उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये जो हुगली रिवर है, गंगा का एक पार्ट अलग हो जाता है, तो एक भागीरथी हो जाता है, एक हुगली हो जाता है। हुगली का मतलब जो कोलकाता के पास से, हावड़ा के पास से बह रहा है, उसे हुगली कहते हैं। तो इससे जो रिवर मिलती है आगे, उसको नाम क्या है, उसका नाम है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर कहाँ से निकल रही है? छोटा नागपुर प्लेटो से। ये दामोदर कहाँ से निकल रही है? ये निकल रही है छोटा नागपुर प्लेटो से। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो से निकल रही है। तो इसको याद रखना है कि छोटा नागपुर से दामोदर रिवर निकल रही है, और ये छोटा नागपुर प्लेटो को दो हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे जस्ट कुछ रिवर्स हैं, जैसे यहाँ पे एक सुवर्णरेखा रिवर है। सुवर्णरेखा रिवर जो है उड़ीसा के पास है। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, सुवर्णरेखा रिवर ये उड़ीसा के पास है। यहीं पर दो रिवर एक और है, एक आपकी रिवर है बैतरणी, बैतरणी है, और और दूसरी जो है आपकी बरनी रिवर है। बैतरणी और बरनी रिवर छोटी छोटी रिवर है, लेकिन मैं आपको नाम बस बताया दे रहा हूँ। बैतरणी सुवर्णरेखा है, बैतरणी है, बरनी रिवर है, बस इतना याद कर लीजिए। बाकी इसको डिटेल में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे महानदी रिवर सिस्टम। ठीक है, महानदी रिवर सिस्टम। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जैसे मानसरोवर से तीन रिवर निकल रही थी, कौन सी थी? इंडस, और आपकी सतलज, और तीसरी कौन सी थी? ब्रह्मपुत्र। ऐसे ही आपकी यहां से आपकी तीन रिवर निकल रही हैं अमरकंटक प्लेटो से। उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा कि यहां से मैंने आपको बताया था कि सोन रिवर जाके पटना में मिल जाती है, किससे? गंगा से। पहले सोन हो गई अमरकंटक से निकलने वाली, दूसरी इधर नर्मदा जाती है, और तीसरी इधर निकलती है, उसको हम कहते हैं महानदी रिवर। ठीक है, तो आपकी अमरकंटक से तीन रिवर्स निकल रही हैं, उनका नाम क्या है? सोन है, नर्मदा है, और महानदी। तो हमें यहाँ पे पढ़ना है महानदी। तो महानदी को सिर्फ देखिए, यहाँ पे महानदी रिवर को देखिए। तो महानदी महानदी जो रिवर है वो कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक प्लेटो से। किस किस स्टेट में बह रही है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, थोड़ा मध्य प्रदेश का भी पार्ट है झारखंड का, लेकिन मेजर जो आपके स्टेट्स हैं वो आपके छत्तीसगढ़ हैं और उड़ीसा हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ट्रिब्यूटरीज जो है वो छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दोनों तरफ। अब उसको आप कैसे याद करोगे? उसका जो है तरीका ये है, इसको आप याद करो ऐसे कि इसको रिद्म में याद करो। जैसे इसको पहले लिख लीजिए आप, ई मंड हसदो सियोनाथ। मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको एक बार में ये याद हो जाएगा, ओम जोम ते। ठीक है, तो इसको एकदम रिद्म में याद करिए, जैसे ईब मंड हसदो सियोनाथ ओम जोम ते। ठीक है, इसको एकदम रिद्म में याद करिए, 5-6 बार इसको 10 बार बोलिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको ऐसे ही बोलना है, ईब मंड हसदो सियोनाथ ओम जोम ते। अब जैसे इसमें होता क्या है कि ऐसे डायरेक्ट ट्रिब्यूटी नहीं पूछेगा। इसमें पिछले साल क्या हुआ था कि पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द गंगा रिवर सिस्टम। उसमें क्या था कि वो तीन चार रिवर छोटी छोटी, अजोय रिवर है, पुनपुन रिवर है, ठीक है,
और तो वो तीन चार रिवर जो छोटी छोटी बिहार बंगाल की गंगा की दे दी थी, और एक रिवर जो थी ईब उठा के ये दे दी थी, ठीक है। तो जैसे कि एमयू वाले जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं इनका तो कोई ईमान धर्म है नहीं, ये तो बहुत ही टफ बना सकते हैं, इनका तो कोई पता नहीं कि वो कितना ज्यादा मतलब टफ बना दें। तो इसीलिए आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो हमेशा इस तरीके से करनी है कि एनसीईआरटी को अपना बेस मानना है और वहां जो लिखा हुआ है उस पर पूरा मतलब अकीदा रखिए, उससे बाहर कुछ होगा नहीं। तो ये जो आपकी रिवर है इस पर क्वेश्चन बना था, तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है आगे भी कभी इस पर क्वेश्चन बन जाए। तो ईब रिवर जो है इस पर क्वेश्चन बनाया था, तो इसको दो तीन बार इसको बोलिए, पांच छह बार याद हो जाएगा। ईब मंड हस दो सी ओनाथ ओम जो तेल, तो ये आपकी महानदी की ट्रिब्यूटरी है। थोड़ा टफ नेम है तो इसीलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कहां से निकल रही थी, अमरकंटक प्लेटो से निकल रही थी। बेसिकली जो नाम है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सियोनी डिस्ट्रिक्ट है, सियोनी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। फिर अगली रिवर जो आपकी है वो है गोदावरी रिवर, ठीक है। गोदावरी रिवर कहां से निकल रही है, तो ये निकल रही है त्र्यंबकेश्वर हिल। कौन सी हिल है, त्र्यंबकेश्वर हिल्स, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर हिल से निकल रही है। उसके बाद ये कहां पे हिल्स हैं, तो ये आपकी है नासिक में, नासिक में ये हिल्स हैं, ठीक है। और ये कहां पे गिर रही है, तो ये गिर रही है आपकी बे ऑफ बंगाल में। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है कि गोदावरी जो आपकी रिवर है, गोदावरी जो रिवर है ये आपकी है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया। जो सबसे ज्यादा सवाल अभी तक पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट रिवर साउथ इंडिया की कौन सी है, तो गोदावरी हो जाएगी। जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल पूछा गया है जो अभी इसी साल पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं। तो दक्षिण गंगा जो है, दक्षिण गंगा का मतलब क्या हुआ, द गंगा ऑफ साउथ। तो ये आपकी जो है अगर आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि ये वाला सवाल इसी साल एमयू ने पूछा था कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं, याद रखिएगा। अब उसके बाद इसकी अगर ट्रिब्यूटीज की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटीज हैं आपकी माल प्रवाह है, घाट प्रवाह है, प्रणहिता है, तो इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटीज हैं, उसका नाम मैं अभी आपको लिखवाया दे रहा हूं। ठीक है, ट्रिब्यूटीज का नाम आप लिख लीजिए। मंजरा है आपकी ट्रिब्यूटरी, मंजरा है, पेन गंगा है, वेन गंगा है, प्रणहिता है, प्रणहिता है, ये सब जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट और है वो लिख लीजिए, इंद्रावती है, ठीक है, इंद्रावती, इंद्रावती। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन सी हैं एक बार देख लीजिए, मंजरा, पेन गंगा, वेन गंगा, प्रणहिता और इंद्रावती। इंद्रावती सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली ट्रिब्यूटरी है, तो इसको याद रखिएगा। पेन गंगा, वेन गंगा आपको एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, ये गोदावरी की है। उसके बाद देखते हैं कृष्णा रिवर, ठीक है, कृष्णा रिवर देखते हैं। कृष्णा रिवर ये है आपकी ट्रिब्यूट। तो कृष्णा रिवर का ओरिजिन अगर हम देखें, देखिए रिवर से आपको सवाल कौन से मिलेंगे पहले तो ये समझिए। रिवर से जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि ये रिवर का ओरिजिन कहाँ है। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है साउथ की रिवर्स में। दूसरा ट्रिब्यूटरी आपकी ज्यादातर साउथ की ही पूछते हैं, दूसरा ट्रिब्यूटरी बहुत ज्यादा पूछता है, तीसरा जो पूछता है वो ज्यादातर पूछता है डैम्स, इन रिवर्स पे डैम्स कौन से बने हैं, ठीक है। अब डैम्स का तो क्लास में अलग लूंगा, उसको तो मैं डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगा किस स्टेट में कौन सा डैम है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपको सवाल मिलेंगे वो ओरिजिन के मिलेंगे और ट्रिब्यूटरीज के मिलेंगे। बाकी आपके गंगा है, गोदावरी है, इंडस का है, इनका सिक्वेंस भी पूछते हैं, तो वो तो मैंने आपको बता ही रहा हूं मैं साथ साथ कि कहाँ पे कौन सा आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। तो कृष्णा रिवर कहां से निकल रही है, ओरिजिन इसका कहां से हो रहा है, वो हो रहा है आपका महाबालेश्वर हिल, महाबालेश्वर हिल से हो रहा है।
ठीक है, महाबालेश्वर हिल्स कहाँ पे हैं, तो ये आपकी कर्नाटका में है, और ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट। तो इसका मतलब इसका ओरिजिन कहाँ हो रहा है? वेस्टर्न घाट में हो रहा है। वेस्टर्न घाट में हिल का नाम क्या है? महाबालेश्वर हिल है, और ये कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, तो ये आपकी कृष्णा रिवर आ रही है। अब कृष्णा रिवर की जो ट्रिब्यूटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? ट्रिब्यूटीज बस हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे स्टेट जो है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, मुझे अंडरस्टूड है कि आप लोगों को स्टेट पता होंगे। कर्नाटका से निकलेगी फिर यहाँ क्या पड़ेगा? तेलंगाना पड़ेगा। तेलंगाना के बाद क्या पड़ेगा? आंध्र प्रदेश पड़ेगा। ठीक है, और जहां पे ये गिरेगी वहां पे कौन सी लेक बनती है? वो बनती है आपकी कुल्लेरु लेक। कौन सी बनती है? तो ये पूछता है कि इसके जो माउथ है उसके पास कौन सी लेक है, तो उसका नाम है कुल्लेरु लेक। ठीक है, ट्रिब्यूटीज की अगर हम बात करें, इसकी ट्रिब्यूटीज इसकी हैं घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा है, माल प्रभा है, और आपकी कोयना है, कोयना है, भीमा है। ये इसकी चार इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटीज हैं, और भी हैं इसकी बहुत सारी, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन जो आमतौर पर पूछी जाती है वो यही है, घाट प्रभा, माल प्रभा, कोयना और भीमा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो अगली रिवर है वो है आपकी कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर जो निकलती है इस तरीके से निकलती है, ये भी कर्नाटका से ही निकलती है, और इसको हम कहते हैं ब्राह्मणी, ब्राह्मणी हिल्स, ब्राह्मणी हिल्स, ये भी वेस्टर्न घाट में है। ठीक है, और कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका वेस्टर्न घाट में है, और ये कहाँ पे गिरती है? ये गिरती है चेन्नई के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे एक लेक बनती है, उसका नाम है पुलिकत लेक। क्या है? पुलिकत लेक। ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है पुलिकत लेक। याद रखिएगा ये इसके माउथ के आसपास है पुलिकत लेक। ठीक है, ये जो आप कावेरी रिवर है बेसिकली ये कहाँ पे बहती है? तमिलनाडु में बहती है और कर्नाटका से निकलती है। अब इसमें एक सवाल बनता है कि कावेरी रिवर जो है इस पे डिस्प्यूट किसका किसका रहता है, कावेरी रिवर पे किसका किसका डिस्प्यूट रहता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ये सवाल आए तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो डिस्प्यूट होता है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में होता है। कावेरी रिवर पे जो डिस्प्यूट है वो बहुत लंबा डिस्प्यूट है, हमेशा चलता रहता है। इस बार भी क्या हुआ था कि बारिश कम हुई थी जब लास्ट ईयर, तो कर्नाटका ने पानी रोक लिया था, क्योंकि कर्नाटका पहले पड़ जाता है इस तरफ। ठीक है, तो कर्नाटका ने यहाँ पानी डैम में रोक लिया था, और यहाँ तमिलनाडु में वाटर जो है रिलीज नहीं कर रहा था। जब वाटर रिलीज नहीं कर रहा था तो यहाँ के फार्मर्स जो थे बहुत ज्यादा परेशान थे, उनकी फसल सारी बर्बाद हो गई। तो हर साल का ये इनका ड्रामा है, तो वो चलता रहता है। अब इसके कुछ ट्रिब्यूटीज हैं वो देख लीजिए। ट्रिब्यूटीज जो इसकी हैं वो है आपकी अर्कावती, हेमावती, हेमावती, कृष्ण राजा, कृष्ण राजा, काबिनी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं, जिसमें वती वती ज्यादा आ जाएगा वो सब आपकी कावेरी की हो जाएंगी। ठीक है, तो वो किसकी हो जाएंगी? कावेरी की हो जाएंगी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है, जो आपका यहाँ पे केरला है, इनका आप कुछ भी मत याद रखिए, इसका बस इतना याद रखिए जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं वो छोटी छोटी रिवर्स हैं, वो बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो हैं कहाँ पे। तो यहाँ पे एक पेरियार रिवर है। पेरियार रिवर आपको बता दूं कि ये समंदर में नहीं गिरती है, ओशन में नहीं गिरती है। यहाँ पे एक लेक है, उसका नाम है बेम्बानाथ लेक, ये उसमें गिरती है, जाकर बैक वाटर है। अब बैक वाटर क्या होता है? जैसे आपने एनसीईआरटी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा कायार। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी भी पूछ चुका है कि व्हाट आर द कायाल। तो कायाल क्या होता है? कायाल क्या होते हैं? बैक वाटर्स हैं, बैक वाटर्स इन केरला। ठीक है, बैक वाटर्स इन केरला का मतलब क्या है? बैक वाटर क्या होता है? ये लेक्स होती हैं। लेक्स कहाँ होती हैं? ये समंदर से बिल्कुल जस्ट तुरंत बाद होती है, मतलब कि जहां पे समंदर खत्म होगा बीच में एक कोस्ट होगा जिसको आप बीच बोलते हैं, और उसके तुरंत फिर बाद क्या होगी? लेक होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे समंदर ये है पूरा, यहाँ पे समंदर है, तो ये बिल्कुल इसके बराबर में यहाँ अंदर को होगी, इसको बोलते हैं बैक वाटर। ये इतने खूबसूरत होते हैं, जैसे केरला आप घूमने जाएंगे तो वहां पे क्या होगा आपका? केरला अगर आप घूमने जाएंगे आप तो वहां पे जो आपको बैक वाटर जो है वो इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत हैं कि बैक वाटर्स में पूरी बोट हाउसेज हैं। वहां पे आप बोट हाउस बुक कर सकते हैं और उसमें आप आराम से रहिए, कोई प्रॉब्लम
नहीं है, ठीक है। तो एक सेकंड बस, ठीक है। तो मतलब क्या है, बैक वाटर्स क्या होते हैं? बेसिकली बैक वाटर्स वो होते हैं लेक्स जो समंदर के किनारे हों, कोस्ट के जस्ट बराबर में, और उसी में जो है ये पेरियार रिवर बहती है। उसके बाद अगर उसके ऊपर हम चलेंगे, अब आपको मैंने बताया था कि जो आपकी वेस्टर्न घाट है, चलिए ठीक है, अब इसमें हमें लग रहा है कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे आपसे, ठीक है। जब तक के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और किसी अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे इसमें मुझे। चलिए ठीक है, अभी आ गया है तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। एक दो रिवर्स बची हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारी कहाँ तक हो गई थी, यहाँ पे केरला में मैंने आपको पेरियार रिवर बता दी थी, उसके बाद यहाँ पे गोवा, गोवा में दो रिवर है इंपॉर्टेंट, उनका नाम क्या है, उनका नाम है जुवरी और कौन सी, मंदोबी। मैंने आपको बताया कि ये पूरा वेस्टर्न घाट है, तो इधर जितनी ट्रिब्यूटरीज की लंबाई होगी, रिवर्स की लंबाई होगी, बहुत ही कम होगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दो रिवर्स बताई हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं। अब उसमें क्वेश्चन ये आता है कि वो रिवर्स का नाम बताइए जो रिफ्ट वैली में बहती हैं, तो कौन सी हो जाएंगी, तापी हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हो जाएगी, नर्मदा। और ये क्वेश्चन आता है वो कौन सी रिवर्स हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, हमेशा याद रखिएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि नर्मदा और ताप्ती रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, दोनों अरेबियन सी में गल्फ ऑफ खम्बत में जाके गिरती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको माही रिवर और साबरमती रिवर दोनों कहाँ की हैं, ये दोनों गुजरात की हैं। याद रखिएगा माही रिवर की क्या खास बात मैंने बताई थी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है, और आपका साबरमती पे, साबरमती रिवर पे अहमदाबाद सिटी बसा हुआ है। उसके बाद जो है इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो पुष्कर, आपने नाम सुना होगा, अजमेर के पास है, वहां से एक रिवर निकलती है, उसका नाम क्या है, लूनी रिवर। तो लूनी रिवर जो है रन ऑफ कच्छ में जाके गायब हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, ठीक है। तो लूनी रिवर का ओरिजिन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुष्कर राजस्थान, और जो ये इसका माउथ हो जाएगा, मतलब इसका माउथ तो है ही नहीं, ये कहीं रिवर गिरती ही नहीं है, तो ये रन ऑफ कच्छ में डिसअपीयर हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है। तो आज हमने लगभग सारे इंडिया के जो रिवर सिस्टम है उसको हमने एक मोटे मोटे तौर पर देख लिया है, और मुझे नहीं लगता है इस लेक्चर के बाद आपका रिवर का कोई क्वेश्चन गलत होगा, सारे आपके क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। उसके बाद अगले हम लेक्चर में कोई और टॉपिक देखेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको लेक्चर लगा, ठीक है। और आगे के लिए अगर आपको कोई कांटेक्ट करना हो तो कोचिंग के नंबर पे या उस पे ग्रुप पे आप जो है कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।